दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गले में होने वाले दर्द में आपको हार्ट के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, गैस्ट्रिक के सिम्टम्स भी हो सकते हैं और आपको इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक के अंदर ही तीनों टॉपिक कवर करके चलूँगा, जिसमें पहला गैस का होगा, सेकेंड इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन का होगा और थर्ड सिम्टम्स जो मैं आपको बताऊँगा हार्ट की प्रॉब्लम के साथ साथ गले के अंदर क्या क्या परेशानी होती हैं, क्योंकि इन सारी कंडीशंस के जैसे गले के पेशेंट होते हैं उनके सारी कंडीशंस हो सकती हैं, हार्ट वाले पेशेंट के अंदर भी गले के दर्द देखे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गैस की। तो दोस्तों, अगर आपको गैस की शिकायत रहती है, हाइपर एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो आपको जो है डकार बहुत ज़्यादा आएंगी, पेट के अंदर जो है आपको एसिड ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से आपको सीने में जलन रहेगी, पेट के अंदर गर्मी रहेगी, पेट साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन की आपको शिकायत रहेगी। तो और डकार आने से आपको आराम हो जाएगा, फ्लैटस पास होने से आपको आराम हो जाएगा और गले के अंदर ये सिम्टम्स आता है कि गले के अंदर आपको चॉकिंग वाली सेंसेशन होती है। जब भी गैस्ट्रिक की वजह से प्रॉब्लम होती है तो गले के अंदर आपको चॉकिंग वाली सेंसेशन होगी, गले के अंदर आपको भारीपन महसूस होगा, गला आपको भरा भरा लगना शुरू हो जाएगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ साथ आपको सर दर्द भी हो सकता है। तो गले में आपको दर्द है, साथ में ये सिम्टम्स हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको पेट का इलाज करना है, पेट की वजह से ही आपको परेशानी हो रही है। सेकेंड बात करते हैं इन्फेक्शन की, इन्फ्लामेशन की गले के अंदर। तो गले के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुई है तो उसका दर्द थोड़ा अलग होता है, उसमें आपको हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है, चिलनेस भी हो सकती है और गले के अंदर जो आपको सूजन भी हो सकती है, रेडनेस भी हो सकती है और एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने से आपको आराम मिल जाएगा। और सुबह में उठते हैं तो गले में निगलने बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बोलने में दर्द होता है, पानी पीने में दर्द होता है, तो सुबह के अंदर जो है ज़्यादा आपको परेशानी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ गले में जब इन्फेक्शन होता है तो गले के अंदर आप पे छाले भी हो सकते हैं, रेड कलर के भी हो सकते हैं और वाइट कलर के भी हो सकते हैं। और आप इसी कंडीशन में अगर आप गलारे करते हैं तो आपको आराम मिल जाएगा, जबकि हार्ट वाले केस में आप गलारे करेंगे आपको आराम नहीं मिलेगा, गैस वाले केस में आप आराम गलारे करेंगे तो भी आपको आराम नहीं मिलेगा। जहाँ पर गले में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन हुई है, रेडनेस हो रही है, वहाँ पर आपको गलारे करने से आराम मिलेगा। तो जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो गलारे करने से आराम मिल रहा है, जहाँ पे गैस की प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे डकार लेने से आपको आराम मिल रहा है, गैस पास होने से आराम मिल रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें अब तक कवर हो गई हैं। तो आपके सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं गले के दर्द के साथ, ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके गले के अंदर इन्फेक्शन हुआ है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्टली होते हैं गले के अंदर, तो आपको ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है या फिर MD डॉक्टर के पास जाना है, इसमें आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। अगला हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हार्ट के सिम्टम्स के साथ। कई बार पेशेंट को दिल की बीमारियां होती हैं, हार्ट डिजीज़ होती हैं, उसकी वजह से भी गले के अंदर दर्द होता है, लेकिन और साथ में क्या सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, इसको आपको जानना जरूरी है। जैसे कि पेशेंट की जो लिपिड प्रोफाइल होती है, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल होती है, वह बढ़ी हुई मिलती है, पेशेंट थोड़ा ओबेसिटी वाला होता है, पेशेंट थोड़ा मोटा हो सकता है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है और उसको सर में दर्द भी रह सकता है, उसके हाथों पैरों में एक्सट्रीमिटीज़ में उसको दर्द रह सकता है, उसको सीने में दर्द रह सकता है। ठीक है, सीने में दर्द गैस वाले के भी होता है और कार्डिक वाले को, मतलब हार्ट वाले को भी होता है, लेकिन दोनों का आसानी से डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। और इसमें दोस्तों मस्कुलर पेन भी हो सकते हैं, ठीक है, मांसपेशियों का दर्द भी पेशेंट को हो सकता है। तो पेशेंट में गले का खिंचाव वाला दर्द होता है, गले के अंदर पेशेंट की जो मसल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा उसको खिंचाव महसूस होता है, वो पेशेंट के सर में भी दर्द हो सकता है, इस तरह वाला पल्सेटिंग पेन हो सकता है और ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ा हुआ होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट के अंदर हार्ट की कौन सी बीमारी है, उसी के हिसाब से और सिम्टम्स पेशेंट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो गले के अंदर खिंचाव वाला दर्द है और सिम्टम्स आपको ये वाले आ रहे हैं, और ना ही आपको गलारे से आराम मिल रहा है, ना ही आपको डकार से आराम मिल रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कोई हार्ट की बीमारी हो सकती है, या फिर कन्फर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन करने के लिए आपको जो है डायग्नोसिस, आपको अपना डायग्नोसिस कराने के लिए आपको अपनी जांच करानी होती है, इसलिए डॉक्टर जांच लिख के देते हैं, जिससे कि कन्फर्म हो सके कि गले के अंदर परेशानी चल रही है तो वह किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें मैंने आसानी से कवर कर दी हैं। आई होप आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो आप इसको समझ गए होंगे कि आपके अंदर किस तरह की परेशानी है, किस तरह के आपके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं। गले में दर्द के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने तीन क्वालिटी फैक्टर्स लेके इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इनका जो ट्रीटमेंट होता है गले से संबंधित, इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम रेमेडीज, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।
आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ कल किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।